भाई इसे मंदिर को निर्माण करने के लिए 500 सालों का इंतजार हुआ, 500 सालों का मतलब समझना 500 साल, एक साल का बात नहीं है, दो साल का बात नहीं है, 500 साल। अभी कलर चेंज हो गया और ये चीजें आपको अद्भुत लग रही है भाई, मतलब कि ये एक यूनिक तरीके से इसे यज्ञ को कराया जा रहा है बहुत ही भव्य रूप से। देख हनुमान जी जब गए थे अशोक वाटिका में मिलने के लिए सीता जी से, तब का सीन है, देख सकते हैं प्रणाम कर रहे हैं। तो हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस आप सभी का स्वागत है अयोध्या के तीसरे पार्ट में, जो कि मैं आप सभी का दो पार्ट दिखाया, जो ब्लॉग के माध्यम से दो पार्ट में आप सभी का रामलला का जो कि प्राण प्रतिष्ठान है उस भव्य मंदिर का मैंने आप सभी का दर्शन कराया, अगर अभी तक नहीं किया तो जाकर कर लीजिए। और तीसरा पार्ट में आप सभी को आ गया श्री रामभद्र स्वामी जी आचार्य का, महाराज जी का जो यज्ञ हो रहा है भव्य आग, जहाँ 1008 पंडाल बने हुए हैं वहाँ मैं आपको लेकर गया हूँ। और ये जो हमारे पीछे दृश्य देख रहे हैं श्री राम जी का ये मूर्ति बनाया गया है, वो रथ यात्रा मुझे, लेकिन इस वाले यज्ञ में आप सभी को राम जी के हर एक पल 14 वर्ष तक बिताए हुए वनवास में, जो वनवास में जंगल में समय बिताए उस हर एक पल को यहाँ एक झांकी के रूप में दिखाया गया है। काफ़ी दिल को छू लेने वाला यहाँ माहौल बनाया गया है, काफ़ी गजब तरीके का। अगर आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से क्या किस तरीके से राम जी ने 14 वर्ष कैसे बिताया था। और वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं कंटिन्यू दिखा रहा हूँ इस अयोध्या में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अभी आप इस माध्यम वीडियो के माध्यम से इस यज्ञ में क्या भव्यता है, क्या क्या है, सबसे बड़े पंडाल में यहाँ पर रामभद्र स्वामी जी आचार्य का यहाँ प्रवचन हो रही है, काफ़ी अद्भुत हो रहा है भाई, जरा सा बस की मत कीजिए। और हाँ, लाइक कमेंट और शेयर करके फटाफट इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आइए मैं आप सभी को इस यज्ञ में कौन कौन सेलिब्रिटियाँ हैं और कौन कौन आने वाले हैं अब तक से, तो मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। अरे जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ ये जो 14 तारीख है माननीय अवस्थी आई हुई थी और 15 तारीख के सुनील योगी जी आए हुए थे जो कि बॉलीवुड कलाकार हैं, और अपर्णा यादव भी आए 15 तारीख को आए थे, और आज है 17 तारीख। तो आप देख सकते हैं 17 तारीख को हेमा मालिनी जी आने वाली हैं, तो वो आकर अपना भाषण देंगी, जो करना हो करेंगी। और ये देखे उसके बाद देखे धीरेन्द्र शास्त्री भी इस यज्ञ में आने वाले हैं, और ये सारे जितने भी ये गुरु हैं सारे लोग आने वाले हैं, तो भाई काफ़ी गजब का ये होगा। तो आइए इसको देखना, जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा भाई, स्किप करेंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा और डिटेल आपको पता ही नहीं चलेगा कब कहाँ से क्या निकला। ठीक है, मैं डिटेल में आप सभी को दिखाने की कोशिश, इसलिए सेपरेट सेपरेट मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, सेपरेट सेपरेट वीडियो। तो ये जैसे देख पा रहे हैं ये यज्ञ का गेट है, काफ़ी भव्य रूप में ये इस गेट को बनाया गया है, और ये देख पा रहे हैं ये गेट का, इस यज्ञ का ये एंट्री गेट है, और अंदर में काफ़ी ज़्यादा आपको भक्तगण दिख रहे हैं अयोध्या में, जो कि देख पा रहे हैं काफ़ी अंदर काफ़ी बड़ा स्पेस है भाई। जो राम को दर्शन करने आ रहा है जरूर इस यज्ञ को घूम रहा है, तो अगर आप भी आ रहे हैं समय रहता है तो जरूर इस यज्ञ को घूमिएगा। और ये देख सकते हैं एंट्री गेट है, मैं आपको लिए चलता हूँ सीधे एंट्री गेट के अंदर, और ये देख सकते हैं ये हम सीधे जा रहे हैं अंदर। जय श्री राम। सकते हैं हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ओह माय गॉड, क्या ही नज़ारे भाई, ये देखो यार गजब के नज़ारे, गजब के नज़ारे यार। ये सारे ये ऋषि मुनियों का जो राम जी को जो मतलब कि यहाँ शिक्षा दीक्षा मिल रही थी, ये देख सकते हैं बैठा कर बता रहे हैं और ये पढ़ा रहे समझा रहे हैं। ओहो क्या खूबसूरत दृश्य भाई, क्या खूबसूरत दृश्य, मतलब ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, ये एक नेक्स्ट लेवल वाली मतलब की सोच है। और ये जो है पुराने पौराणिक कथाओं में जो सुनाए जाते थे पुराने युगों के सारे छवि यहाँ पर दिखाए गए हैं, और वो पुराने सारे यादें ताज़ा हो गए हैं, जो देख जो आप हम सभी रामायण के माध्यम से देखते आ रहे होंगे, ये सारा चीज़ें जो देख रहे हैं सब एक एक चीज़ें यहाँ राम जी। और ये देखो यहाँ केवट जब गो पैर धो रहे थे नाव पर चढ़ाने से पहले उस समय का, ये देखे तस्वीर क्या भव्य दिख रहा है, लक्ष्मण जी अलग खड़े हैं, ये सारी चीज़ें केवट जी नाव में बैठा कर पार करा रहे हैं। वाह ये है भाई, वाकई में लाजवाब। अभी तो शुरुआत है, आगे चलिए दिखाते हैं आपको, काफ़ी गजब का ये यज्ञ होने वाला है और हो रहा है, ये 14 तारीख से लेकर समझ लीजिए कि 22 तारीख तक ये यज्ञ चलेगा, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा उस दिन लास्ट है इसका यज्ञ का। तो
तो तब तक अगर आप लोग आ रहे हैं तो काफ़ी इंजॉय होगा और दर्शन भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये प्रभु राम जी का आपको देख रहे हैं यहाँ। देखिए रथ पे हनुमान जी के साथ ये हन जब वापस लौटे थे अयोध्या राम जी तब, और ये देखिए श्री राम जी का भव्य यहाँ पर ये तस्वीरें आपको नज़र आ रहे होंगे। मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, काफ़ी यूनिक है भाई, अद्भुत अद्भुत नज़ारे यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और ये देखिए वन का जो ये दृश्य यहाँ दिखाया गया है, वन में राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी, और यहाँ कुछ उस प्रकार से क्रिएशन किया गया है कि रियलिटी जब नाइट होगा तो इस समय का ये नज़ारे रात में देखने को मिलेंगे, अलग ही नज़ारे देखने को मिलेंगे जो आप अभी देख पा रहे हैं। और इधर देखिए सारा का सारा ये देखिए छोटा सा बच्चा है, ये लोग मतलब के देखने आ रहे हैं। तो ये देखिए सारा का सारा, ये देखिए राम जी सारा वन का दृश्य है, ये देखिए ये नल नील है, यहाँ पर राम जी के तब पत्थर डाल रहे हैं, काफ़ी मतलब कि भाई काफ़ी गजब भाई। जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, इसमें मत सोचिएगा। ये देख सकते हनुमान जी जब गए थे अशोक वाटिका में मिलने के लिए सीता जी से, तब का सीन है, देख सकते हैं प्रणाम कर रहे हैं सीता जी को, वाह। और आगे भी मतलब कि स्किप करने का मन ही नहीं कर रहा है वीडियो को, जरा सा भी स्किप करें, देख सकते हैं राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी, और ये देख सकते हैं ये नज़ारे, वाह गजब है भाई। ये देख रहे हैं, आइए राम मंदिर का छोटा सा एक झांकी मैं दिखा रहा हूँ आपको, काफ़ी खूबसूरत लगा रहा, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि राम मंदिर किस तरीके से बन रहा है, कितना खूबसूरत होगा। आइए ये देखिए, ये है राम मंदिर का थोड़ा सा दृश्य, जो कि देखिए पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पाँचवा चरण, पाँच चरण में ये मंदिर बन रहा है। देखो पहले पहला दृश्य और आएगा मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये पांच मतलब कि यहाँ से पांच भागों में इस मंदिर को बांटा गया। तो देख सकते हैं काफ़ी मतलब खूबसूरत और काफ़ी यूनिक तरीके से इस मंदिर को बनाया जा रहा है, और काफ़ी गजब का ये मंदिर का मतलब कि निर्माण किया जा रहा है भाई। इस मंदिर को निर्माण करने के लिए 500 सालों का इंतजार हुआ, 500 सालों का मतलब समझ, 500 साल, एक साल का बात नहीं है, दो साल का बात नहीं है, 500 साल, तो समझ सकते हैं इस नज़ारे को देखकर। और ये सारा व्यूज है नज़ारे, देखो दिए दिए, ये दिए आपको नज़र आ रहे होगा, ये गजब का राम आएंगे तो उसका मतलब दीपावली के रूप में यहाँ से आपको अयोध्या दिख रहा है। और ये देख सकते हैं आपको हनुमान यज्ञ, ये देख सकते हैं यज्ञ चालू है भाई, ये इसका जब हवन कुंड में जब हवन होता, इसका धुई जब उठता होगा तो वाह अरे वाह, पूरे अयोध्या का अगल बगल के गांव हैं जो एरिया हैं उस वो सब पवित्र हो जाते होंगे इस धुएं ध्वनि से, शंख की ध्वनि हो, धुएं की ध्वनि हो, मंत्र का उच्चारण हो भाई, समझ सकते हैं कि यज्ञ होने से आसपास के 20-30 किलोमीटर का एरिया शुद्ध हो जाता है भाई इसके ध्वनि से और इसके संग ध्वनि से, मंत्रोच्चारण से। तो जो आप देख पा रहे हैं काफ़ी अद्भुत नज़ारे हैं, दिव्य नज़ारे हैं, ऐसा नज़ारा कहीं नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन स्वामी राम भद्राचार्य का यहाँ कथा हो रहा है, काफ़ी सुंदर से यहाँ शांति से लोग बैठ कर सुन रहे हैं, बिल्कुल शांति से देख पा रहे हैं। ये देखो पब्लिक इतना, ये लाखों लाख की संख्या में यहाँ पर होता है, ये तीन कितना शांति से लोग सुन रहे हैं, वाह। और ये मतलब समथिंग लाखों में मतलब आंकला नहीं किया जा सकता इस पंडाल में कितने लोग बैठे हुए हैं, देख सकते हैं तुलसीदास जी की दृष्टि में भाई। यहाँ के एक और सुंदर नज़ारे आप सभी को देखने को मिल रहा होगा अभी जो इस समय
थोड़ी शाम हो गई है और अंधेरा हो गया है। अभी का व्यूज़ इस यज्ञ का आप देख सकते हैं, रामभद्र स्वामी जी के महाराज का यज्ञ का व्यूज़ देख सकते हैं हमारे पीछे। वाह, अभी कलर चेंज हो गया और ये चीज़ें आपको अद्भुत लग रही है भाई। मतलब कि ये एक यूनिक तरीके से इस यज्ञ को कराया जा रहा है बहुत ही भव्य रूप से, और यहाँ का लाइटिंग अट्रैक्शन काफ़ी गजब है, काफ़ी खूबसूरत। और ये देखिए सामने से भाई देख रहे हैं ना, ऐसा चीज़ें हैं ना ये, मतलब काफ़ी खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि मैं क्या बताऊँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर अपना राय कमेंट में डालें कि आपको ये व्यूज़ ये नज़ारे कैसे लग रहे हैं। तो भाई मैं अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूं और आप सभी से मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी हमारे चैनल को, अभी तक जो भी न्यू हमारे जो भी न्यू व्यूअर आए हैं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, सभी तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। और बिल्कुल भी स्किप ना करें, टोटल वीडियो देखें, जो आपके मन में कमेंट हो राय हो जरूर बताते रहे, वीडियो अच्छा है ख़राब है चाहे जैसा भी हो, चाहे जो मन में हो वो सब कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं पढ़ते रहता हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा लग सके कि हम जो वीडियो बनाएं हमारे पब्लिक के लिए वो सही है नहीं सही है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, इन्जॉय करते रहिए, इसी तरह से जय श्री राम जरूर लीजिए।